बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। आप सबको, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी हैं उन सबको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये हमारा 78वां जश्न आज़ादी है। 77 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। गुज़िश्ता साल जब मैं कैद में था, मुझे अगवा किया गया था रियासती इदारों की जानिब से, तो उस वक्त ऐसे एक छोटे से झंडे के लिए मैंने बड़ी तकलीफ़ गुजारी है। यानी कैद में जब आप होते हैं ना, तो छोटी सी चीज़ भी आपको मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। छोटी सी चीज़ आपको सपोर्ट देती है। ये मैं जेल की कैद की बात नहीं कर रहा, मैं एजेंसियों की हिरासत की बात कर रहा हूँ। जब आपको वहाँ पे रखा जाता है बहुत ही अजीब हालात में, अकेला आपको छोड़ दिया जाता है, तो छोटी सी चीज़ भी आपको ज़िंदा रहने के लिए बड़ी सपोर्ट करती है। तो तब मैं तरसता रहा, मैंने उन्हें कहा भी, मैंने कहा जी मुझे एक इस तरह का छोटा सा कोई झंडा ला दें, चले कपड़े का बना हुआ ला दें, कोई भी मुझे ला दें आप एक। तो वो चला गया बंदा, और 24 घंटे बाद मुझे बताया गया, बताने वाले की अपनी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे कहा जी कि अलाउ नहीं किया गया, इजाज़त नहीं दी गई कि आपको एक झंडा दिया जाए जश्न आज़ादी के मौका पर। मैंने अंदाज़ा लगा लगा के बताया था, मैंने कहा 14 अगस्त कल आ रही है या परसों आ रही है तो आप मुझे ला दें। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं जी मना है। तो आज देखें मेरे पास ये फ्लैग भी है, और ये देखें ये बहुत सारे हैं मेरे पास, ये देखें ढेर लगा हुआ। मैं तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोगों को बाहर बांट के भी आया हूँ, और कल भी बांटूँगा। यानी आज जब 14 अगस्त का दिन होगा, आज सारा दिन बांटूँगा। और मैंने बहुत सारे आज मंगवाए हैं झंडे, सैकड़ों झंडे मंगवा के मैंने लोगों में बांटे भी हैं। तो बड़ा मुझे मज़ा आया। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक, और अल्लाह ताला तमाम उन लोगों को जो बेगुनाह कैद काट रहे हैं, जो जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं, उन सबको रिहाई अता फरमाए। देखे ना, अज़हर मशवानी के दोनों भाई वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। सिर्फ सियासी इख्तलाफ अज़हर मशवानी से है, और उसके दोनों भाइयों को उठाकर इस वक्त हबसे बेजा के अंदर रखा हुआ है, अगवा किया हुआ है। अदालतें कह कहकर थक गई हैं, लाहौर हाईकोर्ट नाकाम हो गई, ये आ गया मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी पेशियों में पेशियाँ लग रही हैं। अब दोबारा तलब किया गया है हुकाम बालाको के आए और आकर जवाब दें। तो जितने भी लोग इस तरह गायब किए गए, जबरी गुमशुदा किए गए, चाहे वो मेरे बलोच भाई हैं, चाहे वो कबायली हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो सिंधी हैं, कोई भी है, चाहे वो कश्मीरी हैं, तमाम को आज़ादी नसीब होनी चाहिए। और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो रियासत को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी, जो रियासत का कानून है उसके मुताबिक करनी होगी। मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाना होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, तो सारे मसाइल खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अब जी इमरान खान साहब ने कॉल दी थी और फस्ताइत अपने उरूज पे आ गई थी। इमरान खान साहब ने कहा था इससे चंद दिन पहले, मैंने आपको पहले खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम उन्होंने 5 तारीख को बनाया है सवाबी वाले जलसे से, बहुत बड़ा जलसा था, बड़ी तबाही थी वहां पे, बड़ी आवाम थी। मैं आपको बता रहा हूँ 17-18 किलोमीटर, तो 20 कुछ दोस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने वो फिर गूगल मैप के जरिए देखा तो वो 18 किलोमीटर हम लोग पैदल गए थे, 2.5 घंटे हमें लग गए जाते जाते वहां पर। तो बहुत ही एक तो मुश्किल रास्ता था, फिर लोगों का रश बहुत ज़्यादा था, गाड़ी 1 इंच भी नहीं चल रही थी, तो इस तरह की सूरत हाल हमने वहाँ पे देखी थी। तो वो मोमेंटम जो था, उस तरह का मोमेंटम उसको कैरी करना एक चैलेंज था। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अरेंज किया है, उसके बाद आपको इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का परचम लेकर निकलें। और फिर अली अमीन गंडापुर ने उसके लिए एक वीडियो बनाकर स्टेटमेंट भी दिया, बाकी सब लोगों ने भी। तो अब जब 13 अगस्त की रात आई, लोगों ने निकलना था, तो पूरे पंजाब में कर्फ्यू लग गया था, सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी यहाँ तो कर्फ्यू लग गया था, इस्लामाबाद में भी। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो लोगों को फिक्र थी नहीं, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे खरीद रहे थे, बेच रहे थे। मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के झंडों के बाद पाकिस्तान में जो झंडा सबसे ज़्यादा इस वक्त ऑन डिमांड है, जो बिक रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है। खैबर पख्तूनख्वा में तो लोग दुकानों में सामने सजा के बेचते हैं, पंजाब में जरा पीछे छुपा के बेचते हैं, लेकिन झंडा बिखरा है, बाहर दबा के बिखरा है। अब जब इमरान खान साहब ने कॉल दी तो फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई, मारामारी शुरू हुई। जब लोग शाम के वक्त या दिन के वक्त निकलना शुरू हुए तो पुलिस की नफरी ने पकड़ना शुरू कर दिया। सैकड़ों अफराद को पंजाब में और इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया। पहले आमिर मुगल साहब हैं, वो एक दफा फिर गिरफ्तार हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और बहुत सारे लोग हैं वो भी गिरफ्तार हुए। लेकिन फिर बिलाखिर जैसे जैसे लोग निकलते रहे, तो एक वक्त आया कि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिया। पुलिस ने कहा जी अब हमारे बस से बाहर है, अब हम इनको नहीं रोक पाएंगे, ये आम आवाम है, ये पब्लिक है बहुत बड़ी तादाद में,
और जिस हुकूमत का हम कह रहे हैं कि जिस हुकूमत के कहने के ऊपर इनको पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ये सारे लोग ही उनके खिलाफ हैं। अब हर बंदा तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का झंडा लेकर नहीं निकला, लेकिन हर बंदे के दिल में जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है कि इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी है, महंगाई ऐसी कर दी, बेरोजगारी ऐसी कर दी, गवर्नेंस बिल्कुल तबाह कर दी, रूल ऑफ लॉ मुल्क के अंदर नहीं है, आज़ादी इजहार राय मुल्क के अंदर नहीं है, कोई चीज़ इन्होंने मुल्क की ठीक नहीं चलने दी, पूरे मुल्क को IMF के सामने पक्का पक्का गिरवी रख दिया है। यानी अब मुल्क की हालत ये कर दी कि अपने मुंह से कहते हैं कि दिवालिया हो गए, हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। और फिर जो जुल्म और बर्बरियत इन्होंने की है, जैसे इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जाली हुकूमत बनाई है, तो इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में पाकिस्तानी नफरत करते हैं। तो रात होते होते 11-11:30 बजे के करीब जब लोग बहुत बड़ी तादाद में मूव करना शुरू हुए, मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ निकलना शुरू हुई, तो मैं आपको पहले किस्सा सुनाता हूँ सरताज गुल वज़ीर साहबा का। उनको जनाब घेर लिया गया, पुलिस वहाँ पर आ गई, उनसे झंडा छीन रही थी, और वो आपको पता है सरताज गुल उनकी आदत और तरह की है, वो डट गई, उन्होंने कहा मैं तो झंडा नहीं दे रही। चंद खवातीन के अलावा सरताज गुल के पास बचा ही कोई नहीं, वो अकेली कभी पुलिस से झंडा छीन रही थी, कभी पुलिस से लड़ रही थी, वो जहाँ जाती थी पुलिस ने उनको घेरे में लिया हुआ था, उनको छोड़ ही नहीं रही थी। इन्होंने ये इलेक्शन भी ऐसे ही लड़ा है सरताज गुल वज़ीर ने, ये लड़ती रही, फिर लोग निकलते गए आहिस्ता आहिस्ता सरताज गुल वज़ीर के वोटर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, वो सारे इकट्ठे हुए, रैली बन गई, पुलिस गायब हो गई। और उन्होंने वहाँ पर रहीमयार खान में बड़ा तगड़ा एक मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, पाकिस्तान के झंडे उठाकर और तहरीक इंसाफ के झंडे उठाकर। तो ये तो हुआ वहाँ लिबर्टी चौक पर, जो है वो पंजाब पुलिस ने कब्जा कर लिया था। पिछले 15 माह में, यानी मैं आपको बता देता हूँ कि 9 मई के बाद से लेकर अब तक लिबर्टी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा इकट्ठा नहीं हो सका। पिछली मरतबा भी 14 अगस्त पर लिबर्टी चौक पर कुछ नहीं हो सका था। 15 महीने हो गए हैं लिबर्टी चौक के ऊपर रियासत का कब्जा है, और पुलिस ने वहाँ पे आके अपनी कैदियों वाली वैनें खड़ी कर दी, अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, वहाँ पे रश लगा दिया, डंडे छोटे पकड़ लिए कि जो आएगा पकड़ेंगे मारेंगे। तो पुलिस ने वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया हुआ था लिबर्टी चौक में। लेकिन फिर रात 12 बजते हमने ये मनाजिर देखे कि लिबर्टी चौक पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और आम शहरियों के साथ भरा हुआ था। तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के बेशुमार झंडे थे, लोग जो है वो एहतजाज भी कर रहे थे और जश्न आज़ादी भी मना रहे थे। बल्कि जिन जिन चीज़ों से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को छीनते थे ना पुलिस वाले, यानी जहाँ झंडा नज़र आता था इनको ऑर्डर था कि झंडा छीन लेना है, तहरीक इंसाफ का झंडा नज़र नहीं आना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीलॉग में रात को बताया भी था कि तहरीक इंसाफ का झंडा छीनने का इनका मिशन था, लेकिन हुआ ये कि फिर हर तरफ तहरीक इंसाफ का झंडा ही नज़र आ रहा था। एक तो उसका रंग ऐसा है सबज और लाल रंग का, वो दूर से दिखाई देता है। फिर इन्होंने बड़े अजीब अजीब काम किए, इनको जो ऊँची जगह मिलती थी उसके ऊपर जाके झंडा लगा आते थे। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ विजुअल्स देखे कि ये जो आपके टावर होते हैं ना, ये जो मोबाइल फोन कंपनीज के टावर होते हैं, इनके ऊपर आम आदमी नहीं चढ़ सकता, इनके ऊपर तहरीक इंसाफ के झंडे पाकिस्तान के झंडे के साथ फिक्स किए हुए हैं जाके। अब मुझे बताएं कैसे उतारेगा कोई वहां से, वो पुलिस वाले तो नहीं चढ़ सकते, वो तो ट्रेंड लोग होते हैं जो उस पर चढ़ते हैं। अब ये जो चढ़ने वाले हैं ना, उनके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरासीम है, वो जाके लगाए। कुछ लोगों ने ड्रोन कैमरे लिए, ड्रोन कैमराज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लटकाए और उनको उड़ाना शुरू कर दिया। अब वहाँ से मनाजर नजर आ रहे हैं लिबर्टी चौक में, यानी जिस झंडे से पुलिस चिढ़ती है और हुकूमत मरियम नवाज की चिढ़ती है, उस झंडे को उन्होंने हर जगह पे लगाना शुरू कर दिया। दुकानों पे लेकर जा रहे हैं, गाड़ियों पे लेकर जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर लेकर जा रहे हैं, और लिबर्टी चौक के ऊपर पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रोल मैंने देखा रात 12 बजे के बाद। अब जनाब हमाद अज़हर साहब जो बहुत अरसे से रूप पोछते सामने नहीं आ रहे थे, उन्हें देखा वो अचानक निकले, उन्होंने आके पुलिस की जो नाके हैं उनको तोड़ते हुए वो गए, और गुलबर्ग के अंदर उन्होंने अपनी एक रैली निकाली, कामयाब रैली थी, उनके साथ बहुत सारे उनके साथी मौजूद थे। फिर डार फैमिली ने सियालकोट में बड़ा जोर लगाया, उमर डार थे, रिहाना डार साहिबा थी, उनकी बेटी उरूबा डार हैं, वो भी साथ थी उनके, और बहुत सारे कारकुनान थे। हालांकि वहाँ पर बड़ी पुलिस ने पहले मुज़ामत की, बड़ी लड़ाई की पुलिस ने, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर उसके बाद देखें सिचुएशन आवाम के हाथ में चली गई। आमिर मुगल एक दफा फिर गिरफ्तार हो गए। मुल्तान में जैन कुरैशी और उनकी बहन जो है मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी का बच्चे, ये निकले। इनके साथ पहले बड़ा कोशिश की गई इन्हें रोकने की, बार बार कोशिश की गई, लेकिन फिर इन्होंने रैली निकाली और ये कामयाब हो गए। सद्दाम बलूचिस्तान से आया और उसने रावलपिंडी के अंदर बड़ी तगड़ी एक रैली निकाली और वो इस्लामाबाद की तरफ गया। फिर मेजर ताहिर सादिक और उनकी फैमिली के घरों के बाहर तो कर्फ्यू लगा दिया था कि ये निकल ना सके, फिर भी अटक के लोग निकले हैं। अब मैंने अब तक जो मनाजर देखे हैं सोशल मीडिया के जरिए से,
वो मैं आपको बता देता हूँ कि लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में आवाम निकली और इमरान खान साहब की कॉल पर उन्होंने लब्बैक कहा, और इस्लामाबाद में, कराची में, अंदरून सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा लोग निकले। इस्लामाबाद में डी चौक पर बड़े लंबे अरसे के बाद कोई सियासी जमात अपनी कोई एक्टिविटी कर सकी है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यानी लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए, बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर निकले और डी चौक से लेकर वो रैली निकालते रहे, बड़ी दूर तक, पहले इधर जाते थे फिर इधर जाते थे, और बहुत बड़ी तादाद में लोग थे वहाँ पर भी। फिर उसके बाद जी सियालकोट, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान, चीचावतनी, गुजरात, रावलपिंडी, रावलपिंडी ने कमाल कर दिया। रावलपिंडी में एक रैली नहीं निकली, बेशुमार रैलियाँ निकली हैं, जगह जगह से निकली हैं, कभी इकट्ठी होती थी कभी अलग होती थी, लेकिन रावलपिंडी के लीडर्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई और ज़बरदस्त काम किया। लैया, साईवाल, मियाँ चन्नू, मियाँ वाली, चकवाल, मियाँ वाली तो आपको पता है जो मर्जी कर दें, कर्फ्यू भी लगा दें, मियाँ वाली के लोग इमरान खान को नहीं छोड़ते, उसकी कॉल के ऊपर ज़रूर निकलते हैं। तो मियाँ वाली में भी ऐसे ही हुआ, चकवाल में, कसूर में, रहीमयार खान में, ओकाड़ा में, बहावलपुर में, जेलम में, और सरगोधा में, सरगोधा में जो सिलावाली का इलाका है वहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाजी एक रैली निकली है। यानी कोई ऐसी जगह, चनियोट में मैंने कुछ विजुअल्स देखे। तो ये मैंने आपको बताया सिर्फ पंजाब का हाल, अंदरून सिंध और कराची का हाल। अब जो खैबर पख्तूनख्वा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे मालाकंड है, चाहे अबटाबाद है, मानसेरा है, चाहे पेशावर है, चाहे लकी मरवत में बहुत बड़ा एक एहतजाजी मुजाहरा और एक रैली की क़यादत की शेर अफजल खान मरवत ने, फिर एक और शाहिद खटक साहब हैं, उन्होंने करक में एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया, बड़ी ज़बरदस्त रैली उन्होंने की है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिफरेंट जो रहनुमा है, मर्दान के अंदर आतिफ खान, इन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा किया है। डी आई खान के अंदर अली अमीन गंडापुर के भाई ने, और बाकी जगहों के ऊपर जो है वो हर जगह पर हुआ है। फजल करीम ने यहाँ पर कुस्वात के अंदर किया है। इसी तरह पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी शो ऑफ पावर की है। यानी जो मोमेंटम कैरी करना था वो मोमेंटम अब कैरी किया है। एक और कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है, हुकूमत की तमाम तर ताकत और फस्ताइत के बावजूद तहरीक इंसाफ के झंडे हर जगह पे नजर आए हैं, लेकिन लोगों की जिद से आप नहीं जीत सकते। होता क्या है, जब बार बार आप एक चीज करते हैं तो लोग जिद में आ जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जिद में आ गए और बात मान नहीं रहे, और पाकिस्तानी अपनी बात मनवा कर छोड़ेंगे। और जो इस हुकूमत ने लोगों की हालत कर दी है, इसके बाद तो इस हुकूमत को सपोर्ट करते हुए भी सबको शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट को इनकी जान छोड़ देनी चाहिए, और अब उनको अवाम के ऊपर दोबारा फैसला डाल देना चाहिए कि लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि करना क्या है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ कौम की जिद बन गई है और फिर इसको अब नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान कोई कानूनी थोड़ी है, कोई गुलाम मुल्क थोड़ी है, एक आज़ाद मुल्क है, एक आज़ाद रियासत है, यहाँ के शहरी आज़ाद है, यहाँ पर जमहूरियत है, तो सबका हक है कि वो अपने तरीके से इस मुल्क को चलाने के लिए अपना रोल प्ले करें। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान साहब की वॉइस इन्होंने बनाई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, और कोई आर्टिस्ट बेहतर रख लें तो बेहतर होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इमरान खान साहब का जो वॉइस ओवर करता है ना बंदा, जो बोलता है वो बहुत ही सीधा सीधा ही बोलता है, और उसके ऊपर इमरान खान साहब की ऑडियो आ जाती है, यानी उनका लहजा, उनकी आवाज़ आ जाती है, लहजा नहीं आता। थोड़ा सा कोई बंदा बेहतर होगा तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लिखने वाला भी जो है ना वो इमरान खान के अल्फाज के चुनाव उसका इमरान खान साहब के अल्फाज के चुनाव के मुताबिक नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब ही देते हैं कि ये बातें आपने कहनी है और आवाम तक पहुँचा दें मेरी तरफ से। वो जो बातें इमरान खान साहब जेल में बताते हैं कि ये बातें मेरी तरफ से आवाम को पहुँचा दें, वो बातें वो आके उसके बाद लिखते हैं, और लिख के उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से उनकी आवाज़ में कन्वर्ट करके सुनवा देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, इंतहाई अहम और नाजुक मौके पर मुल्क खड़ा है। आज़ादी के 77 साल बाद भी मुल्क इस वक्त अशराफिया के कब्जे में है, जिनके असासे, उनके बच्चे, उनके कारोबार सब कुछ बाहर है। यहाँ वो लूट मार करने के लिए आते हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। बांग्लादेश ने अपनी छोटी सी तारीख में 2 मरतबा आज़ादी हासिल की है। हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ और पुलिस सारा निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे अच्छी मईशत के बावजूद लोगों ने आज़ादी पर समझौता नहीं किया। खालिदा ज़िया को गिरफ़्तार किया गया था वहाँ पे, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, मगर पाकिस्तान में सख्त तरीन पाबंदियों और फस्ताइत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा भी और वाज़ अक्सरियत हासिल की। अच्छा, मजालिम की जो तारीख है उसकी कोई मिसाल नहीं है जो पाकिस्तान में ढाए गए। मैं डट जाने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बांग्लादेशी फौज ने अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने इंसानी हकूक का एहतराम नहीं किया और उसकी परवाह नहीं की, बल्कि लोगों पर बहीमाना तशद्दुद किया और जुल्म के पहाड़ तोड़े। यहाँ हुकूमत अपने मफादात और ज़ात के लिए कानून साजी करती है पाकिस्तान में।
जाली हुकूमत चीफ जस्टिस के साथ मिलकर ऐसे कानून बना रही है जिससे आइन का वजूद खतरे में हो जाएगा। ये लोग आज़ाद अदलिया को गुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे अदलिया मुकम्मल तबाह हो रही है, जिसके असरात हर शोबे पर पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। लोग मायूस हो रहे हैं, पाकिस्तान में नौजवानों का मुस्तकबिल सयाह हो रहा है और उम्मीद ख़त्म हो रही है। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के इस मौका पर मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि खुद को हकीकी आज़ादी के लिए तैयार कीजिए। ये हकीकी आज़ादी आपको हासिल करनी पड़ती है, ये प्लेट में रख के नहीं मिलती, खून देना पड़ता है, जेल में जाकर कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं एक साल से ज़ायद हो गया जेल में बंद हूँ, जेल मुझे मेरे मौकफ़ से पीछे नहीं हटा पाई, आज भी मजबूती से खड़ा हूँ। अशराफिया के कब्जे से मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए आप तैयार रहें। आज मैंने एहतजाज की कॉल दी है मुल्क भर में, ये इमरान खान साहब की जो कॉल थी उसके बारे में वो कह रहे हैं, और वो कामयाब भी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर इदारे तबाह करने का सिलसिला जारी रहा तो जल्द मुल्क भर से हकीकी आज़ादी के लिए घरों से बाहर निकलने की कॉल दूंगा, और फिर आपने उस वक्त तक वापस अपने घरों में नहीं जाना जब तक कि आप हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। अपने मुल्क को अपनी नज़रों के सामने तबाह नहीं होने देंगे, अपने मकासद के हुसूल तक पीछे नहीं हटेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। देखिए अब ये कॉल क्या है, स्ट्रीट मूवमेंट किसे कहते हैं? यानी इमरान खान साहब कॉल देंगे और सारे लोग अपने घर छोड़ के बाहर आ जाएंगे, हर मोहल्ले के अंदर एहतजाज होगा, यानी लोग इकट्ठ कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अंदरून शहर के लोग निकलेंगे, अपनी अपनी गलियों में बाहर आके बैठ जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। जो मैं लाहौर की बात कर लेता हूँ, माल्टाउन के लोग हैं वो माल्टाउन के अंदर करेंगे, हर जगह के लोग अपने अपने इलाकों में आएंगे, और पुलिस तो बहुत ही नाकाफी हो जाएगी। जब पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी अपनी गली मोहल्लों में निकल के बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर एहतजाज करते हैं, और वो कहते हैं जी अपने घर नहीं जा रहे, हम अपने काम पे भी नहीं जा रहे, हम तब जाएंगे जब आप हमें हकीकी आज़ादी दे देंगे या हमारा मुतालबा मान लेंगे। ये बड़ा नेक्स्ट लेवल का एहतजाज होगा। क्या पाकिस्तानी कौम इसके लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं, इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो लोगों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं और लोगों को वो कह रहे हैं कि इसके लिए तैयार रहें। स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर हम अलग से एक वीलॉग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है काजी फायद ईसा साहब के उस फैसले के ऊपर जिसमें उन्होंने 3 सीटें दे दी हैं PTI से छीन कर PMLN को। अब बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर हुआ क्या है, वारदात क्या है। वारदात यह है कि इन 3 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत गए थे। नून लीग ने कहा आप दोबारा गिनती करवाएं, जब दोबारा गिनती के लिए खोले गए तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया नहीं गया, उनको दिखाया ही नहीं गया। इन्होंने किया ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे जीती थी पहले गिनती के अंदर, वहां पे उनके वोटों को खराब करना शुरू किया। जितनी जरूरत थी 10,000 से लेकर 20,000 तक वोट 3 हलकों में खराब कर दिए गए। यानी एक स्टैंप और लगा दें आप और वोट खराब हो जाता है। स्टैंप तो इलेक्शन कमीशन के पास होती है, ये पेपर पर एक स्टैंप लगी हुई है, एक और लगा दें वोट खराब हो गया। तो इस तरह 3 हलकों के अंदर 10 से 20,000 वोट खराब कर दिए गए, यानी जाया कर दिए गए, मुस्तरदशुदा वोट जो है वो उसके अंदर उनका शुमार हो गया। यानी जब पहले गिनती हुई है तो मुस्तरदशुदा वोट उतने नहीं थे, लेकिन जब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने गिनती की है तो 10 से 20,000 तक मुस्तरदशुदा वोट निकले हैं, और वो जो मुस्तरदशुदा वोट निकले हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ PTI के निकले, PMLN के नहीं निकले। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जितने वोट मुस्तरदशुदा निकले हैं वो PTI के खराब हुए, उन्हीं के कम हुए हैं। PMLN का कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ दोबारा गिनती में, और PMLN 3 सीटें ले गई। ये मजाक है यार, भाई मुल्क है, आपने लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है। इलेक्शन कमीशन भी ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें करता है और काजी साहब उनकी चीज़ों के ऊपर मोड़ लगा देते हैं। बड़ी बदकिस्मती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।